छोटे पर्दे का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 14 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से सभी को डर था कि कहीं इस बार फैंस का पसंदीदा शो इसी की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, शो अपने समय से ही शुरू हो रहा है। लोगों को भी बड़ी ही बेसब्री से इस शो के शुरू होने का इंतज़ार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस का घर अपनी सजावट, अपनी अलग बनावट के कारण बेहद मशहूर है, तो इस बार भी बिग बॉस का घर हर बार की तरह ही इस बार भी बेहद आलीशान है, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बिग बॉस का घर इस बार अंदर से कैसा दिखने वाला है, साथ ही किस तरह की। बिग बॉस के घर को इस बार डिजाइन किया है उमंग कुमार ने। हाउस की थीम इस बार भविष्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। बिग बॉस की इस बार थीम फ्यूचरिस्टिक है, इसी की तर्ज पर घर को डिजाइन किया गया है। इस बार घर में पहली बार रेस्टोरेंट, स्पा, थिएटर, जी हाँ, और मॉल होगा। ये बिग बॉस हाउस का बाथरूम एरिया है, जहाँ कंटेस्टेंट्स की सुविधा के लिए सारा इंतजाम मौजूद है। तस्वीर में दिख रहा है ये एरिया बिग बॉस मॉल है, यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की ज़रूरत का सामान होगा। हालांकि ये सामान उन्हें टास्क जीतने के बाद ही मिल पाएगा। बिग बॉस के घर का बेडरूम एरिया काफ़ी शानदार है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार कंटेस्टेंट्स को किसी के साथ भी बेड शेयर नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये बिग बॉस है और इसमें ट्विस्ट तो आते रहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी कोई ट्विस्ट हो। वैसे देखा जाए तो बेडरूम एरिया हर बार खूबसूरत ही होता है, लेकिन इस बार रंगों के साथ प्रयोग कर बनाया गया है। बेडरूम स्पेस बेहद शानदार नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में आपको ज़रा नज़दीक से दिखा रहे हैं कि बिग बॉस के बेडरूम में कंटेस्टेंट्स को मिलने वाले बेड कितने शानदार हैं। तो दोस्तों, बिग बॉस हाउस में सभी के लिए बेडरूम के अलावा एक कैप्टन रूम भी है। जो भी जिस हफ्ते घर का कैप्टन रहेगा, वो इसी कमरे में रहा करेगा। घर के कन्फेशन रूम एरिया को भी बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के सामने कन्फेशन और उनसे बातचीत करेंगे। कन्फेशन रूम घर के कोने में होता है, जिसके अंदर जाने का रास्ता भी इस बार बेहद खूबसूरत बनाया गया है। चलिए अब करते हैं बात सबसे इंटरेस्टिंग एरिया की, वो है किचन के पास। जी हाँ, किचन के पास ही एक डाइनिंग एरिया भी है, जो बेहद आलीशान है। वैसे तो इसका मुख्य काम कंटेस्टेंट्स के द्वारा खाना खाने के लिए होता है, लेकिन दोस्तों, अभी तक के बिग बॉस इतिहास में कई बहसबाजी भी इसी ही जगह पर होती आई है। ये तस्वीर भी डाइनिंग एरिया की अलग एंगल से ली गई है। ये तस्वीर जिसमें इस पर की गई मेहनत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। घर में हर बार की तरह ही इस बार भी एक गार्डन एरिया है, जो बेहद खूबसूरत है। ये बिग बॉस के घर का किचन है। किचन बिग बॉस के घर का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। यहाँ एक तरफ जहाँ प्यार बढ़ता है, तो वहीं कई बार लड़ाई की वजह भी किचन का काम ही बनता है। इस बार घर में एक स्लीपर सेल रूम भी होने वाला है। सलमान खान टीवी के माध्यम से लिविंग रूम में बैठे कंटेस्टेंट से बातचीत करते हैं। ये है बिग बॉस के घर का लिविंग रूम। घर वालों को सुविधा के लिए स्पा रूम भी दिया जा रहा है, लेकिन वो टास्क जीतने के बाद ही इसका उपयोग कर सकते हैं।
घर में एक थिएटर एरिया भी है, लेकिन इसका लुत्फ भी घर वाले टास्क जीतने के बाद ही उठा सकते हैं। थिएटर के बारे में सलमान खान ने कहा था कि क्योंकि लंबे वक्त से थिएटर बंद है, ऐसे में कंटेस्टेंट्स को लग्जरी फील करवाने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि ये टास्क जीतने के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने बिग बॉस का घर कितना खूबसूरत और कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। और जी हाँ, इसके एपिसोड्स भी काफ़ी शानदार होंगे और सरप्राइज एलिमेंट देने वाली हैं हिना खान, गौहर खान एंड जी हाँ, हमारे सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला जी। तो कल से बिल्कुल देखना ना भूलें हमारा और सबका चहेता बिग बॉस। बाय बाय।